दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिया मर्द और औरतें 10 मुहर्रम की रात लाइट्स बंद करके क्या करते हैं? और क्या आप ये भी जानते हैं कि शिया और सुन्नी में क्या फर्क है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, आप लोग चाहे दुनिया में कहीं भी रहते हो, लेकिन एक ना एक बार आपने शामे गरीबा का नाम तो सुना होगा। और अगर नहीं भी सुना है तो हम आप लोगों को बताते हैं कि शामे गरीबा क्या है। तो दोस्तों, शामे गरीबान उस फंक्शन को कहा जाता है कि जिसे शिया मुसलमान 10 मुहर्रम की रात को करवाते हैं। यानी दोस्तों, 10 मुहर्रम के दिन जब शाम को सूरज डूब जाता है तो उसके बाद शिया मुसलमान एक फंक्शन रखते हैं और उसी फंक्शन को शामे गरीबा का नाम दिया जाता है। और दोस्तों, आप में से शायद कई लोगों ने बचपन से ही शियों की इस महफिल यानी फंक्शन के बारे में अलग अलग तरह की बहुत सारी झूठी सच्ची बातें सुनी होगी, क्योंकि जाहिर है शियों की तरफ से इस रात में सजाए जाने वाले इस फंक्शन के बारे में कई तरह के लोगों के बीच अलग अलग तरह की बहुत सी बातें मशहूर है, जिनमें से कुछ तो सच भी है लेकिन ज़्यादातर झूठ और बहुत ज़्यादा शर्मनाक भी है। शियों के इस फंक्शन में मशहूर होने वाली बातों में से सबसे ज़्यादा मशहूर ये बात है और लोगों का ये मानना है कि 10 मुहर्रम की रात में सभी शिया लोग इमाम बाड़ा के, जिसको इमाम बारगा भी कहा जाता है, उस बिल्डिंग के अंदर जमा होते हैं। इनमें औरतें भी बहुत ज़्यादा होती है और मर्द भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जब ये सब लोग इमाम बाड़े में जमा हो जाते हैं तो बिल्डिंग को ताला लगा दिया जाता है। उसके बाद अंदर महफिल में शियों का जो एक आलिम मौजूद होता है वो जिक्र करना शुरू करता है और उस जिक्र के साथ ही सारे लाइट्स बंद कर दिए जाते हैं। और इन लाइटों के बंद होते ही वहाँ मौजूद मर्द और औरत आपस में मिलाप करते हैं, यानी फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। और इस जिना से पैदा होने वाले बच्चे को ही शियों का जाकिर यानी कि एक तरीके का लीडर बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस दावे का सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। अगर इसको आसान भाषा में कहे तो ये शिया लोगों के ऊपर एक हद से ज़्यादा गंदा और भद्दा इल्ज़ाम है। दरअसल दोस्तों, शामे गरीबा का ताल्लुक सीधे तौर पर करबला की जंग के उस वक्त से है कि जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन सारे जवानों को शहीद कर दिया गया था और उसके बाद शाम में उन जवानों के सिर्फ बीवी बच्चे ही मैदान में रह गए थे और उनके साथ जो सलूक किया गया था, जिस बुरे हालात से उनको गुजारा गया था, बिल्कुल उन्हीं सारी चीज़ों को इस शामे गरीबा में याद करने की कोशिश की जाती है। यानी उनके साथ होने वाले जुल्म सितम को याद किया जाता है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि उन्होंने 10 मुहर्रम की अंधेरी रात करबला के मैदान में कैसे गुजारी थी। दोस्तों, इतिहास लिखने वालों की माने तो 10 मुहर्रम के दिन जैसे ही सूरज डूब गया तो यजीद के सिपाहियों ने अहले बैत के तमाम बच्चों और ख्वातीनों को बड़ी बुरी तरह से खेमों से बाहर निकाल कर उनके खेमों में आग लगा दी थी और उन पर ढेरों जुल्म व सितम किए गए थे। यहाँ पर आपको बताते हैं कि गरीब उस इंसान को भी कहा जाता है जो अपने देश से दूर रह गया हो, और कभी कभी इस वर्ड का इस्तेमाल उस इंसान के लिए भी किया जाता है जो बग़ैर किसी मदद के कहीं दूर अकेला रह गया हो। बस इसी वजह से शियों ने इस वर्ड को अहले बैत के साथ जोड़ा है, क्योंकि जाहिर है वो लोग भी अपने देश से दूर करबला के मैदान में बग़ैर किसी मदद के अकेला रह गए थे। दोस्तों, शामे गरीबा भी लगभग एक फंक्शन की तरह है, बस फ़र्क ये है कि इस फंक्शन में रोशनी नहीं होती, सिर्फ कुछ मोमबत्तियाँ होती है जिनसे उजाला किया जाता है। और साथ ही इस दिन मुहर्रम के बाकी दिनों की तरह शिया लोग जंजीरों से कोई मातम नहीं करते और ना ही झंडे लेकर जुलूस निकालते हैं, बल्कि इस ख़ास रात में वो लोग एक जगह बैठकर गम, अफसोस और आंसू बहाते हैं और हज़रत इमाम हुसैन और उनके घर वालों को याद करते हैं। दोस्तों, शिया लोगों का कहना है कि उनके इस फंक्शन में जैसे ही उनका एक आलिम आकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है, वैसे ही वहाँ मौजूद हज़ारों लोग दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं। मतलब आप लोग ये मान सकते हैं कि शिया लोग इस फंक्शन के ज़रिए करबला में हुए वाकियों को एक बार फिर से ताज़ा करके दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि बिल्कुल अभी ही अहले बैत के शहीद होने की करबला से खबर आई हो। फिलहाल दोस्तों, इतिहास के हिसाब से ये शामे गरीबा कब और
कैसे और क्यों शुरू हुई थी, ये सब एक अलग टॉपिक है। इसके अलावा इस फंक्शन को करवाना चाहिए या नहीं, ये भी एक अलग टॉपिक है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि इस फंक्शन की वजह से शिया लोगों के ऊपर जिस तरह का एक बड़ा और गंदा इल्ज़ाम लगाया जाता है, उसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, शिया और सुन्नी में फ़र्क क्या है, जानने से पहले ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त हमारी दुनिया में दो किस्म के मुसलमान पाए जाते हैं, एक सुन्नी और दूसरा शिया। और इस दुनिया में जहाँ सुन्नी मुसलमानों की आबादी 80% है, तो वही दूसरी तरफ शिया मुसलमानों की आबादी लगभग 20% है। अब जाहिर है, जब सुन्नियों की आबादी ज़्यादा है तो दुनिया में जितने भी मुस्लिम देश है वो भी ज़्यादातर सुन्नी मुसलमानों के ही है। लेकिन इराक, ईरान, यमन और इस जैसे कुछ देश शिया मुसलमानों के भी है। और अगर बात सिर्फ हमारे प्यारे देश भारत की हो, तो यहाँ पर जो भी टोटल मुस्लिम आबादी है उसका लगभग 86 से 87% सुन्नी मुसलमानों की ही आबादी है, जबकि सिर्फ 13 से 14% ही शिया मुसलमानों की है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन दोनों ही जमात के अंदर एक दूसरे के बारे में ऐसी बहुत सारी गलत फहमियाँ और अफवाहें पाई जाती है, जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर, कुछ शिया लोग सुन्नियों के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर यकीन रखते हैं जिसको सुनकर ना सिर्फ हंसी आती है बल्कि वो चीज़ लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं लगती है। ठीक इसी तरह से सुन्नी जमात के कुछ लोगों के बीच में शिया मुसलमानों से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी अफवाहें नज़र आएंगी, जिन पर कुछ लोग यकीन रखते हैं मगर उनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों के बीच में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि सिर्फ फ़र्क ही नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और फ़र्क की वजह से ही इतिहास में ये दोनों जमात अलग अलग हुए थे, वरना पहले तो कोई जमात हुआ ही नहीं करती थी। शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच जो बुनियादी फ़र्क पाए जाते हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा फ़र्क कलमे को लेकर है, जहाँ एक तरफ सुन्नी मुसलमानों का कलीमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो वही दूसरी तरफ शिया मुसलमानों का कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयु वलीयुल्लाह वसय्यु रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल, जिसका मतलब होता है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, जनाब अली अल्लाह के वली है, रसूलुल्लाह के वसी और आपके खलीफा है। मतलब दोस्तों, शिया मुसलमानों के कलमे में आप लोगों को अल्लाह और रसूल के साथ साथ हजरत अली का भी जिक्र मिलेगा। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि शिया मुसलमानों के कलमे का ये जो आखिरी वाला हिस्सा है, जिसमें ये कहा गया है हजरत अली हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खलीफा है, मतलब बगैर किसी फासले यानी दूरी के, तो इस बात पर शिया मुसलमानों के अलावा कोई भी सहमत नहीं होता। इसीलिए क्योंकि जहाँ एक तरफ शिया मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अली को ही उनका पहला खलीफा मानते हैं, तो वही दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमान हजरत अली से भी पहले 3 खलीफाओं को मानते हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, जबकि दूसरे खलीफा हजरत उमर, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान और चौथे खलीफा हजरत अली थे। तो अब आइए जानते हैं कुरान के बारे में कि क्या शिया और सुन्नियों का कुरान अलग अलग है या फिर एक ही है। तो दोस्तों, देखा जाए तो कुरान एक ही है, लेकिन दोनों जमात के तर्जुमे यानी ट्रांसलेशन बिल्कुल अलग अलग है। कहने का मतलब ये है कि एक आयत का तर्जुमा शिया मुसलमानों ने अलग तरह से किया होगा, जबकि सुन्नी मुसलमानों ने अलग तरह से कर रखा होगा। तफसीर यानी एक्सप्लेनेशन में ज़्यादातर आयतों का कॉन्टेक्स्ट ही बदला हुआ नजर आएगा। बात करें अब अगर नमाज के बारे में, तो दोनों ही जमात के अंदर एक दिन में 5 नमाज फ़र्ज है और उसको अदा किया जाता है, मगर जहां एक तरफ सुन्नी मुसलमान 5 नमाजों को अलग अलग अदा करते हैं, तो वही दूसरी तरफ शिया मुसलमान अपनी कुछ नमाजों को आपस में मिला लेते हैं, जिसकी वजह से वो इन सारी नमाजों को 3 वक्तों में ही अदा कर लेते हैं। इसके अलावा रमज़ान के महीने में भी सुन्नी मुसलमानों में जो तरावी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, जिसको सुन्नी मुसलमान बड़ी शौक से पढ़ते हैं, और क्योंकि वो साल भर बाद वापस आ रही होती है, तो उसके आने से पहले कई दिन पहले से ही चर्चे करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें शिया मुसलमानों में नहीं पाई जाती, क्योंकि उनके यहाँ पर तरावी का कॉन्सेप्ट ही मौजूद नहीं है।
उनके मुताबिक ये एक ऐसी बिदअत है कि जिसको सुन्नियों के दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने शुरू किया था। इसके अलावा इन दोनों जमात के बीच एक बड़ा फ़र्क हजरत इमाम महदी को लेकर भी है। इस बात पर तो पूरी दुनिया के ही मुसलमान यकीन रखते हैं कि दरअसल हजरत इमाम महदी के जो आखिरी खलीफा होंगे वो कयामत से पहले जाहिर होंगे। हमारी दुनिया से जुल्म व सितम, नाइंसाफ़ी और इस तरह की हर गलत चीज़ को मिटाकर रख देंगे। उसके बाद दुनिया में अमन कायम करेंगे और अपनी एक खिलाफत भी कायम करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में जहां एक तरफ सुन्नी मुसलमानों का ये मानना है कि हज़रत इमाम महदी कयामत से पहले पैदा होंगे, बाकायदा वो परवरिश पाएंगे, बड़े होंगे और फिर सही वक्त आने पर ही लोगों के सामने इमाम महदी यानी इमाम महदी के तौर पर जाहिर होंगे और उसके बाद ही धीरे धीरे खिलाफत कायम करेंगे, मगर दूसरी तरफ शिया मुसलमानों का ये मानना है कि कयामत के करीब के दौर में हज़रत इमाम महदी पैदा नहीं होंगे, बल्कि वो तो हमारी दुनिया में ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं। पिछले सैकड़ों सालों से वो हमारी इस दुनिया में ही मौजूद है, लेकिन हम लोगों को नज़र नहीं आते हैं। वो एक गार के अंदर मौजूद है और वहाँ पे महफूज है और सही वक्त आने पर सिर्फ और सिर्फ जाहिर होंगे, यानी पैदा नहीं होंगे, सिर्फ जाहिर होंगे और उसके बाद ही दुनिया भर में अपनी खिलाफत कायम करेंगे। दोस्तों, शिया और सुन्नी के बीच एक बड़ा इख्तिलाफ हज़रत अली को लेकर भी पाया जाता है। शिया लोगों का ये मानना है कि हज़रत अली शेर खुदा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद बाकी जो नबी और रसूल है उनसे भी ज़्यादा अफजल है, जबकि सुन्नी मुसलमान इस नज़रिए और इस अकीदे को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। सुन्नी मुसलमान हज़रत अली शेर खुदा को दामाद रसूल और इस्लाम के खलीफा के तौर पर ही कंसिडर करते हैं। मुहर्रम के मौके पर मातम करना भी शिया जमात को सुन्नी जमात से पूरी तरह से अलग बनाता है, क्योंकि शिया मुसलमानों का ये मानना है कि 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में यानी करबला की जंग में अहले बैत के साथ जो हद से ज़्यादा नामुनासिब सलूक किया गया, उसकी याद में ही, उसके गम में ही वो लोग मातम मनाते हैं। दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमान भी 10 मुहर्रम को मनाते हैं, अहले बैत को याद करते हैं, मगर उनके तरीके अलग होते हैं। तलाक का कॉन्सेप्ट भी इन दोनों जमात में अलग अलग पाया जाता है। जिस तरह से सुन्नी मुसलमानों में निकाह के वक्त गवाहों का होना ज़रूरी होता है, बिल्कुल इसी तरह से शिया लोगों में तलाक के वक्त भी गवाहों का होना ज़रूरी होता है, यानी शिया जमात में गवाहों के बगैर तलाक नहीं होती है। फ़िलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।